वाच्य। जब वाक्य में क्रिया का रूप कर्ता, कर्म तथा भाव के अनुसार परिवर्तन होता है उसे वाच्य कहते हैं। यानी यहाँ पर उस तरीके की सेंटेंस मेकिंग होती है कि आपको यहाँ पर एज अ मेन सब्जेक्ट जो है वो कर्ता रखा जा रहा है, कर्म रखा जा रहा है या फिर भाव रखा जा रहा है, तो उसके अनुसार हम ये चेक करेंगे या डिसाइड करेंगे कि ये वाक्य जो है वो कर्ता कारक में आएगा, कर्मवाच्य में आएगा या भाववाच्य में आएगा, जो कि आगे टॉपिक को पढ़ते हुए हम समझते जाएंगे साथ में। अभी हम मेनली ये समझ रहे हैं कि वाच्य होता क्या है। तो वाच्य जो है, जब भी कभी कोई वाक्य में क्रिया का जो रूप है वो कर्ता के रूप में आए, कर्म के रूप में आए या भाव के रूप में आए, उसके अनुसार जब वाक्य का निर्माण होता है या फिर परिवर्तन होता है तो उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य शब्द का अर्थ होता है बोलने का विषय, यानी कि हम जिसके विषय में बता रहे हैं उसको मुख्य विषय के रूप में जब हम रखते हैं तो उसके अनुसार उसको उस वाच्य के अंतर्गत रखते हैं। मान लीजिए हम कर्ता को मुख्य विषय के रूप में रख रहे हैं और अपने बोलने का विषय बना रहे हैं तो वो कर्तृवाच्य हो जाएगा। यदि हम फिर कर्मवाच्य को अगर टॉपिक में ला रहे हैं, यानी कि कर्म को अपने बोलने का विषय बना रहे हैं, मेनली उसे प्रेजेंट कर रहे हैं सामने, तब वो कर्मवाच्य हो जाएगा हमारा। और फिर अगर हम भाववाच्य को, जो कि उसके नियम के अनुसार हम भावों को प्रेजेंट करेंगे मेनली मुख्य रूप से, जहाँ पर हमारे बोलने का विषय भाव बन जाएगा, तो वो हो जाएगा भाववाच्य। और इस तरीके से हमारे जो वाच्य होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य क्या होता है? जब वाक्य में हम क्रिया का सीधा प्रभाव जो है वो कर्ता पर जब पड़ता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। यानी जब हम वाक्य निर्माण करते हैं और डायरेक्ट उसमें सिर्फ कर्ता के ऊपर फोकस किया जाता है, ध्यान रखिए जब कर्ता के ऊपर ही फोकस किया जाए मेनली सेंटेंस में, देन वो आप समझिए कि कर्तृवाच्य है। अर्थात जो क्रिया का लिंग, वचन, कर्ता के अनुसार परिवर्तन होता है। यानी जब हम सेंटेंस, मान लीजिए कि हम लिखते हैं राहुल पढ़ता है, तो ये जो पढ़ता है शब्द हमने प्रयोग किया है वो राहुल के अनुसार क्या है, क्योंकि ये क्या है, पुल्लिंग है, एक वचन है, तो आप देखेंगे इसकी क्रिया भी पुल्लिंग होगी और एक वचन होगा। ये पढ़ता है, वरना हम पढ़ती लिखते, लेकिन राहुल क्योंकि पुल्लिंग है तो इस वजह से पढ़ता, राहुल एक वचन है इस वजह से पढ़ता लिखा हमने, नहीं तो हम पढ़ते लिखते। तो जब जो क्रिया है उसका लिंग, वचन, कर्ता के अनुसार परिवर्तन होता है तब वो कर्तृवाच्य होता है। कैसे? उदाहरण है हमारे पास, अशोक स्कूल जाता है, तो अशोक यहाँ पर पुल्लिंग है, एक वचन है, तो स्कूल जाता है, जाता है शब्द का हमने प्रयोग किया क्रिया में। राधा स्कूल जाती है, अब राधा क्योंकि स्त्रीलिंग है और एक वचन है तो हमने जाता की जगह जाति का प्रयोग किया। अब मेनली यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने मुख्य रूप से कर्ता को फोकस में रखा हुआ है, जो कर्ता होगा उसके अनुसार हमारी क्रिया होगी, तो वो कर्तृवाच्य हो गया। तो याद रखें कि जो कर्ता के अनुसार क्रिया होगी तो वो हमारा कर्तृवाच्य हो जाएगा। अब हम कर्मवाच्य को भी समझ लेते हैं। जब वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अर्थात क्रिया का जो लिंग, वचन, कर्म के अनुसार परिवर्तन होता है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो हमारी क्रियाओं में परिवर्तन होगा वो हमारे कर्म के अनुसार होगा, कर्ता के अनुसार नहीं, कर्म के अनुसार। अभी हम उदाहरण के द्वारा इसे समझ लेंगे। अशोक ने चाय पी। अब आप देखेंगे अशोक क्या है, पुल्लिंग है, लेकिन उसने लिखा है चाय पी, पी जो कि एक स्त्रीलिंग शब्द है। अब यहाँ पर ये जो अशोक जो कि पुल्लिंग है उसके अनुसार क्रिया क्यों नहीं प्रयोग हुई? क्योंकि यहाँ पर जो क्रिया है वो हमने कर्म के अनुसार सेट की है, तो इसलिए यहाँ पर ये कर्मवाच्य हो जाएगा। अब अगर हम इस सेंटेंस को इस तरीके से लिखें कि अशोक के द्वारा चाय पी गई, तो भी जो है यहाँ पर कर्मवाच्य होगा जब आप द्वारा शब्द को देखेंगे तो। लेकिन जब हम द्वारा शब्द के माध्यम से जब सेंटेंस की मेकिंग करते हैं तो भी आप देखेंगे कि हमने लिखा क्या, लिखा कि अशोक के द्वारा चाय पी गई। अब अशोक तो यहाँ पे पुल्लिंग है लेकिन चाय को पी गई लिखा गया यहाँ पर, तो ये पी गई जो है पुल्लिंग क्यों नहीं हुआ? अशोक तो भाई पुल्लिंग है, तो फिर चाय जो है वो हमारी स्त्रीलिंग शब्द होता है, इसके अनुसार हमने क्रिया का निर्माण किया,
तो यहाँ पर मेन फोकस किसके ऊपर आ गया, कर्म के ऊपर आ गया, तो इसलिए कर्म अच्छे हो गया। बहुत इजी है, बहुत ध्यान से समझे, एक बार आप ध्यान से समझ लेंगे आपको कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक बार हम फिर से चेक कर लेंगे, दो चार और उदाहरण देखते हैं। पूजा ने दूध पिया, अब आप देखेंगे पूजा जो है कि एक स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन यहाँ पे पी नहा यूज करके पिया यूज किया है जो कि पुल्लिंग शब्द है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने जो क्रिया का इस्तेमाल किया है वो कर्म के अनुसार किया है। दूध जो है एक पुल्लिंग शब्द है। अब पूजा ने चाहे दूध पिया हो चाहे अशोक ने दूध पिया हो, लेकिन क्योंकि हम दूध को फोकस में रख के स्त्रीलिंग का प्रयोग कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा। राधा ने खाना बनाया, अब हमने राधा ने खाना बनाई क्यों नहीं बोला, क्योंकि हम खाने को फोकस में रख के तब क्रिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि खाना एक पुल्लिंग शब्द है तो इसलिए खाना बनाया यूज किया, यहाँ पर कर्ता का स्त्रीलिंग होने के बावजूद भी। तो क्योंकि हमारा यहाँ पे कर्ता फोकस में नहीं है, कर्म फोकस में है, तो इस वजह से यहाँ पे कर्मवाच्य हो गया। अब आप याद रखें कि जहाँ पर हम कर्ता के अनुसार क्रिया का इस्तेमाल करेंगे और उसके वचन और लिंग को बदल देंगे वो कर्तृवाच्य हो जाएगा, और जहाँ हम कर्म के अनुसार जो है अपनी क्रियाओं को बदलेंगे वहाँ पर कर्मवाच्य हो जाएगा। बहुत ही आसान है बच्चों, आप बड़े आराम से इसे समझ सकते हैं। थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करें, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगला उदाहरण देख लेते हैं, महेश ने खाना बनाया। अब यहाँ तो महेश पुल्लिंग है और साथ में क्रिया भी पुल्लिंग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कर्ता के फोकस में है, क्योंकि खाना शब्द जो है वो पुल्लिंग है, इस वजह से इसके अफेक्ट में क्रिया जो है हमारी वो। अब हम ये तो नहीं बोल सकते खाना महेश ने खाना बनाई, लेकिन हम ये बोल सकते हैं महेश ने चाय पी, क्योंकि चाय जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो इस वजह से यहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा। भाववाच्य देखते हैं, जब वाक्य में क्रिया का रूप ने कर्ता के अनुसार ना तो कर्ता के अनुसार हो और ना ही कर्म के अनुसार परिवर्तन हो। क्रिया का रूप जब असमर्थ भाव के अनुसार परिवर्तन होता है तो उसे भाववाच्य कहते हैं। असमर्थ भाव के अनुसार, असमर्थ यानी कि जहाँ कुछ हो नहीं सकता। असमर्थता का मतलब क्या होता है कि आप नहीं है, आपके पास वो पावर नहीं है, या फिर जो भी है जिसकी भी वजह से आपको वहाँ पे नेगेटिविटी मिले। आप देखेंगे ज़्यादातर भाववाच्य जो वाक्य होते हैं उसमें नहीं का प्रयोग होता है, नेगेटिव सेंटेंस बन रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना तो वो क्रिया का परिवर्तन कर्ता के अनुसार होता है और ना ही कर्म के अनुसार होता है, यहाँ पर असमर्थ भाव के अनुसार परिवर्तन होता है, तो उसे भाववाच्य कहते हैं। उदाहरण है, हमसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता। अब नहीं का प्रयोग तो होगा, लेकिन इसकी एक पहचान और है कि आपको जो आखिर में जो इसके क्रिया है वो आपको पुल्लिंग में मिलेगा और एक वचन में मिलेगा, सबसे बड़ी पहचान इसकी। तो इसकी पहचान क्या है, पहला तो ना होगा, फिर पुल्लिंग होगा और एक वचन होगा। ध्यान रखेंगे आप ये बात, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। अब देखेंगे नहीं है और हुआ जाता, पुल्लिंग भी है और एक वचन भी है। मुझसे इस गर्मी में सोया नहीं जा सकता, अब आप देखेंगे नहीं भी है और जा सकता, ये पुल्लिंग भी है और एक वचन भी है। तो इस तरीके से ये हमारे भाववाच्यों की पहचान हो गई। अब मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे वाच्य जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब वाच्यों की हमें पहचान करनी है, कर्तृवाच्य है, कर्ता बिना विभक्ति के होता है अथवा कर्ता कारक प्रधान होता है, जो कि हमने इसको समझा जब हमने कर्तृवाच्य को समझने की कोशिश की थी। कर्मवाच्य में क्या होता है कि कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति होती है, ये हमने देखा, हमने इसकी पहचान पढ़ी। मुख्य क्रिया सकर्मक होती है और उसके साथ जाना क्रिया का लिंग वचन कालानुसार रूप से जुड़ा होता है, जो कि हमने कर्मवाच्य को पढ़ते हुए समझा है। जाना के अनुपयुक्त रूप से पहले क्रिया सामान्य जो है भूतकाल में होती है, क्योंकि सेंटेंस मेकिंग ऑटोमेटिकली ही वैसे हो जाती है जो पास्ट में चली जाती है जाना से पहले। तो इसलिए इसमें आपको इतना अगर नहीं समझ में आता है तो हमने जो डिस्कस किया है कि कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य को कैसे पहचाना, आप उसी पे फोकस करें जिससे कि आप इजिली समझ जाएंगे। भाववाच्य देखते हैं, कर्ता के साथ से या के द्वारा कारक चिन्ह होता है, फिर क्रिया जो है अकर्मक होती है, क्रिया सदा एकवचन और पुल्लिंग में ही होती है, जो कि हमने वहाँ पर डिस्कस किया। अब वाच्य परिवर्तन, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना कैसे होता है। पहले कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कीजिए, फिर उस परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जो रूप हो उसे जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदलिए,
और फिर कर्तृवाची के कर्ता के साथ कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटाकर से तथा के द्वारा आदि जोड़िए, जो कि हमने साथ के साथ ही उसे डिस्कस कर लिया है। यदि कर्म के साथ विभक्ति लगी हो तो उसे हटा दीजिए। अब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने की प्रक्रिया के बाद अब हम इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कि अशोक स्कूल जाता है, अब इसे हमें कर्मवाच्य में बदलना है। तो कर्मवाच्य में आप जानते हैं से या फिर के द्वारा प्रयोग होता है, तो जब हम से और के द्वारा का प्रयोग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सेंटेंस जो है इन नियमों को फॉलो करते हुए बन जाएंगे। इसलिए आप इतना अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो ये समझिए, अशोक स्कूल जाता है तो अब हमें कैसे प्रयोग करना है, इसको कर्मवाच्य में बनाना है। अशोक के द्वारा स्कूल जाया जाता है। अब स्कूल जाया जाता है के द्वारा जब हमने प्रयोग किया, सेंटेंस मेकिंग ऑटोमेटिकली ऐसी हो जाएगी, राधा के द्वारा स्कूल जाया जाता है। अभी आपने देखा राधा स्कूल जाती है हमने बोला, जब हम कर्म पर फोकस करेंगे तो राधा के द्वारा स्कूल जाया जाता है। अब यहाँ पर जाया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली आपने देखा कर्मवाच्य में चेंज हो गया, तो इसलिए आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, मोहन शिकार करता है जो कि कर्तृवाच्य है, लेकिन कर्मवाच्य में क्या हो जाएगा, मोहन के द्वारा शिकार किया जाता है। मैंने पत्र लिखा, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। प्रधानमंत्री ने इस भवन का उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री के द्वारा इस भवन का उद्घाटन किया गया। जब आप के द्वारा का प्रयोग करेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपके सेंटेंस जो है कर्मवाच्य के अनुसार बदल जाते हैं। कर्मवाच्य से अब भाववाच्य बनाने का किस तरीके से प्रक्रिया है, कर्मवाच्य में भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं है, इसलिए मूल कर्ता की जो दो स्थितियां होती हैं वो ऐसी होती है कि उसके आगे से लगता है या फिर उसका उल्लेख ही नहीं होता। जैसे मैं अब चल नहीं सकता, मुझसे अब चला नहीं जाता, तो मैं अब चल नहीं सकता, मुझसे अब चला नहीं जाता विशेष। भाववाच्य में क्रिया सदा एकवचन पुल्लिंग अकर्मक तथा अन्य पुरुष में होती है, जो कि हमने भाववाच्य को समझते हुए डिस्कस कर लिया था। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने में, कर्तृवाच्य में क्रिया जो है कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है, जबकि भाववाच्य में प्रयुक्त क्रिया न कर्ता के अनुसार होती है न कर्म के अनुसार, बल्कि ये असमर्थता के भाव के अनुसार होती है, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। अतः कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाते समय कर्ता के साथ से लगाया जाता है या कर्ता का उल्लेख ही नहीं होता, किंतु कर्ता के उल्लेख का होने की स्थिति तब होती है जब मूल कर्ता सामान्य हो, साथ ही मुख्य क्रिया को पूर्ण कृदंती क्रमों के साथ संयोगी क्रिया जा लगती है। आपको अगर ये चीजें समझ नहीं आती, ये वही बातें लिखी हैं जो हमने डिस्कस कर ली है। उदाहरण से हम समझते हैं कर्तृवाच्य और भाववाच्य, ये कर्तृवाच्य के सेंटेंस हैं और ये भाववाच्य के हैं। हम इतना कष्ट नहीं सह सकते, ये कर्तृवाच्य है। हमसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता, जब हमने भाववाच्य के विषय में पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो हमारी सेंटेंस की मेकिंग होती है तो उसके लास्ट के जो क्रिया शब्द होते हैं वो पुल्लिंग और एकवचन होते हैं। आपको सेंटेंस मेकिंग इसी अनुसार करनी है, तो जब आप ऐसे लिखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सेंटेंस पढ़ते ही हमसे, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हम शब्द जो कि सर्वनाम है यहाँ पर, उसमें हमें से भी जोड़ना है जो कि हमने नियम में पढ़ा। हम इतना कष्ट नहीं सह सकते, तो हमसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता। मैं खड़ा नहीं हो सकता, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, अब मैं को मुझसे बना दिया। अब आप ये सेंटेंस देखें, आओ अब चले, आओ अब चला जाए। अब इसमें तो हम कोई सेंटेंस चेंज नहीं कर सकते, आओ अब चले, तो चले जो क्रिया है जिसको हमने नियम पढ़ा है कि पुल्लिंग और एकवचन ही होना चाहिए, तो आओ अब चला जाए, तो इस तरीके से हम सेंटेंस मेकिंग कर लेंगे। अब आप कहेंगे कि इसमें नहीं वर्ड तो है ही नहीं, तो ये भाववाच्य कैसे होगा, तो नहीं वर्ड नहीं है तो भी ये भाववाच्य है, क्योंकि जो इसकी सेंटेंस मेकिंग हुई है लास्ट के जो क्रिया शब्द है वो पुल्लिंग और एकवचन है, तो इसके अनुसार ये भाववाच्य हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा, बहुत ही ईजी वे में समझा है। अब इससे संबंधित यहाँ पर हम कुछ MCQs लेंगे और डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको ये और भी टॉपिक जो है क्लियर हो जाए। वाच्य शब्द का क्या अर्थ होता है, नाम, बोलने का विषय, भाव या फिर कर्म, तो ये बोलने का विषय होता है। जिस भी चीज को हम मुख्य रूप से सामने लाते हैं, चाहे वो कर्म हो, भाव हो, कर्ता हो, वो हमारा वाच्य हो जाता है। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, तीन होते हैं। क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त जब होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जब हमारी जो क्रिया है उसका लिंग और वचन जो है कर्ता के अनुसार जब प्रयुक्त होता है तो उसे क्या कहते हैं,
ऑब्वियस ही बात है कर्तृवाच्य कहेंगे उसे हम। कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ कहाँ पर, कौन से सेंटेंस में कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है ये हमें देखना है। महेश स्कूल से आ रहा है, कुत्ता सारी रात भौंकता रहा, वाली बगीचे में फूल तोड़ रहा है, अखबार पढ़े जाते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कर्तृवाच्य का प्रयोग कैसे हुआ। अब देखेंगे महेश स्कूल से आ रहा है, अब ये कर्तृवाच्य हमारा कर्ता के अनुसार हमारी क्रिया का प्रयोग हुआ है। कुत्ता सारी रात भौंकता रहा, ये इसके अनुसार जो है हमारा यहाँ पे आप देखेंगे क्रिया का प्रयोग है। माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है, माली जो पुल्लिंग है और एक वचन है उसके अनुसार हमारा यहाँ पर कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ। अखबार पढ़े जाते हैं तो ये हमारा जो है कर्तृवाच्य नहीं है। अगला प्रश्न लेंगे कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है कौन से सेंटेंस में। राम ने चाय पी, ऑब्वियस ही बात है चाय के अनुसार यहाँ पे क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है कर्मवाच्य का हुआ है। सीता ने दूध पिया, यहाँ पर हमारे कर्म के अनुसार जो है क्रिया का प्रयोग हुआ है, नहीं तो हमने सीता ने दूध पी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारे कर्म के अनुसार यहाँ पे क्रिया का प्रयोग हुआ है। अशोक ने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक अशोक तो पुल्लिंग है लेकिन यहाँ पर क्रिया का इस्तेमाल क्रिया स्त्रीलिंग के रूप में हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर हमारे कर्म के अनुसार जो है क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो इसमें भी कर्मवाच्य है। लड़का पुस्तक पढ़ता है जो कि हमारा कर्मवाच्य है, ये हमारा कर्तृवाच्य है, ये हमारा कर्मवाच्य नहीं है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 लेंगे भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। मनोज से पढ़ा नहीं जाता, अनुष्का से लिखा नहीं जाता, हाथी से नहाया नहीं जाता, राधा खेलती नहीं। तो इस तरीके से ये सेंटेंस मेकिंग अधूरी रह गई हमारी, क्योंकि यहाँ पर अगर ये भाववाच्य होता तो ये ऐसे लिखा जाता कि राधा से खेला नहीं जाता। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा इसका उत्तर कि इसमें भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 7 मुझसे अब चला नहीं जाता, अब इस वाक्य में क्रिया के किस वाच्य का प्रयोग हुआ है, मुझसे अब चला नहीं जाता इसमें क्रिया के किस वाच्य का प्रयोग हुआ है। ध्यान देंगे आप बहुत ही इजी है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, ना तो कर्तृवाच्य का ना कर्मवाच्य का बल्कि भाववाच्य का, क्योंकि नहीं किया जाता इस तरीके के सेंटेंसेस का प्रयोग हुआ है तो ये भाववाच्य हो जाता है। प्रश्न नंबर 8 लेते हैं, निम्नलिखित में से किस वाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, तो वो किस में होता है, वो कर्मवाच्य में होता है। सकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है, जहां पर क्रिया का कर्म हो तो वो सकर्मक क्रिया है, और जब कर्म होता है तभी हमारी जो कर्म के अनुसार जो हमारी क्रिया एडजस्ट की जाती है तभी वो पॉसिबल हो पाता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि कर्मवाच्य में ही हमारा जो है सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 9 लेंगे कि किस वाच्य में क्रिया जो है सदैव एकवचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष के रूप में प्रयोग होती है, तो वो होती है हमारे भाववाच्य में। प्रश्न नंबर 10 लेंगे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग किया गया है। लड़का दूध पीता है, उसके द्वारा पत्र लिखा गया, अब आपने द्वारा देखा तो ये तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये कर्मवाच्य में आ गया, उससे गाया नहीं जा सकता, ये तो ऑब्वियस ही बात है भाववाच्य हो गया, उपर्युक्त सभी में, तो ये तो गलत बात हो गई। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। और आप जो है यहाँ पर अगर इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो जितने भी आपको ऑप्शन दिए गए आप उस ऑप्शन को देख कर आपको ये भी चेक करना है कि इसमें अगर ये नहीं है तो कौन सा फिर वाच्य है, इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस और भी ज़्यादा बेहतरीन हो पाएगी। प्रश्न नंबर 11 लेंगे कि क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे क्या कहते हैं, जिसके माध्यम से यानी कि हमारी क्रिया जो है किसके माध्यम से एडजस्ट हुई है, कर्म के माध्यम से, कर्ता के माध्यम से या भाव के माध्यम से, तो उन व्याकरणिक नियमों को क्या कहते हैं, जो कि अभी हम यहां पर जिसके विषय में पढ़ रहे हैं वो है वाच्य। क्रिया का लिंग वचन कर्म का अनुसरण करती है, क्रिया का लिंग वचन और जब क्रिया कर्म जो है अनुसरण करती है, यानी कि कर्म के अनुसार जब लिंग और वचन क्रिया का सेट किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको ऑब्वियस ही बात है कर्मवाच्य कहते हैं। तरुण द्वारा दूध पिया नहीं जाएगा वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो आप यहाँ पर द्वारा शब्द देखेंगे तो आपको लगेगा कर्मवाच्य है, पर आप सेंटेंस देखिए तरुण द्वारा दूध पिया नहीं जाएगा, नहीं कभी प्रयोग किया गया, और लास्ट की सेंटेंस में की जो है पुल्लिंग और एकवचन में हुई है, और हमने ये भी पढ़ा था कि भाववाच्य में भी द्वारा और से का प्रयोग हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा भाववाच्य।
अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 14, अरुण शिकार करता है वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो ये ऑब्वियस सी बात है कर्तृवाच्य, को बहुत ही सिंपल साधारण सा सेंटेंस है यहाँ पर जो है, और नियमों के अनुसार भी जो है कर्ता को ध्यान में रखते हुए क्रिया का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर कर्तृवाच्य है। अगला प्रश्न लेंगे, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है कि ये भाववाच्य है, क्योंकि नहीं का प्रयोग हुआ है, पुल्लिंग और एकवचन का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न लेंगे, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने में कौन सा वाक्य सही नहीं है यहाँ पर? तो वो हमें बताना है। अब मतलब हमारे पास प्रश्न ये है कि ये कर्तृवाच्य सेंटेंस दिए गए और इसको यहाँ पे कर्मवाच्य में बदला गया है, कौन सा वाला सही ढंग से नहीं बदला गया कर्मवाच्य में, वो हमें बताना है। अरुण दूध पिएगा, जो कि कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य में हमने इसे इस तरीके से बदला, अरुण द्वारा दूध पिया जाएगा, सही है ये तो। अगला है हमारे पास, मैंने पत्र लिखा, जो कि कर्तृवाच्य है, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, बिल्कुल सही है। क्यों सही है? अब आप ये भी क्वेश्चन करेंगे तो आप चेक करते जाए कि द्वारा शब्द का पहली बात तो प्रयोग किया गया, दूसरा जो हमारा कर्म है उसके अनुसार हमारी क्रिया सेट की गई है यहाँ पर। मोहन शिकार करता है, मोहन के द्वारा शिकार किया जाता है, तो ये भी सही है। अगला है, गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं, जो कि कर्तृवाच्य है, गर्मियों में खूब नहाया जाता है, गर्मियों में खूब नहाया जाता है, जो कि कर्मवाच्य में बदला गया है। तो क्या आप देखेंगे यहाँ पर सही सेंटेंस मेकिंग हुई है? तो गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं, जो कि कर्तृवाच्य है, और कर्मवाच्य गर्मियों में खूब नहाया जाता है, हमारे द्वारा जो है गर्मियों में खूब नहाया जाता है, इस तरीके से सेंटेंस मेकिंग जो है हमें करनी थी। तो इस तरीके से ये जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा कि यहाँ पर भाववाच्य का इस्तेमाल नहीं किया गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला लेंगे प्रश्न नंबर 17, भाववाच्य वाले वाक्य इनमें से कौन सा भाववाच्य वाला जो वाक्य है इनमें से कौन सा है? मालती खाना खाती है, कर्तृवाच्य है, रमेश खाना खा सकता है, ये भी नहीं है, हिमेश से दौड़ा नहीं जाता, रक्षा दौड़ नहीं सकती। अब आप देखेंगे कि ये दोनों सेंटेंस तो बिल्कुल भी नहीं है हमारे। अब आप देखेंगे इसमें नहीं का प्रयोग हुआ, इसमें भी नहीं का प्रयोग हुआ है। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन बचता है ये देखने का कि पुल्लिंग और एकवचन किसके सेंटेंस में लास्ट में ऐड हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्त्रीलिंग है, गलत हो जाएगा ये। तो हमारा जो सही उत्तर होगा भाववाच्य वाला सेंटेंस, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, मुझसे चला नहीं जाता इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही ईजी सेंटेंस है जो कि हमें भाववाच्य के बारे में बता रहा है। विमला से सोया नहीं जाता में वो कौन सा वाच्य है? विमला से सोया नहीं जाता इसमें कौन सा वाच्य है? आप इसमें देखेंगे कि इसका जो सही उत्तर होगा वो भाववाच्य होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे सेंटेंस बहुत इजी है, विमला से सोया नहीं जाता। विमला क्या है? स्त्रीलिंग है। लेकिन सेंटेंस मेकिंग आप देख रहे हैं लास्ट में कैसी हो रही है, पुल्लिंग और एकवचन। कर्म इसमें है नहीं और इसलिए और नहीं का प्रयोग हुआ है, तो ये सीधा सीधा भाववाच्य होगा। इसका उत्तर ये यहाँ पर भाववाच्य होगा। प्रश्न नंबर 20 लेते हैं, जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है तब वहाँ कौन सा वाच्य होता है? यानी जब क्रिया जो है उसको कर्ता के को ध्यान में रखते फोकस किया जाता है तो वहाँ पे कौन सा वाच्य होगा? जाहिर सी बात है कर्तृवाच्य। प्रश्न नंबर 21, बालक से दूध पिया गया में कौन सा वाच्य है? बालक से दूध पिया गया, तो ये हो जाएगा हमारा भाववाच्य। जरूरी नहीं कि आपको नहीं सेंटेंस ही मिले, और आपको देखना है कि यहाँ पर जो सेंटेंस मेकिंग जो है उसकी उसमें जो क्रिया है उसका इस्तेमाल किस नियम को ध्यान में रखते हुए किया गया है, तो ये यहाँ पर भाववाच्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, भाववाच्य वाला वाक्य इसमें से कौन सा है? यानी चारों में से कौन सा सेंटेंस जो है वो भाववाच्य वाला है? मालती खाना खाती है, बहुत ही ईजी सेंटेंस है, कर्तृवाच्य है हमारा। रमेश खाना खा सकता है, ये भी हो गया कर्तृवाच्य। हिमेश से दौड़ा नहीं जाता, रक्षा दौड़ नहीं सकती। अगर मान लीजिए हम इसको देखें कि नहीं भी आ रहा है इसमें, लेकिन यहाँ पर स्त्रीलिंग का प्रयोग हो गया है क्रिया में, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता भाववाच्य। हिमेश से दौड़ा नहीं जाता नहीं भी प्रयोग हुआ है, साथ में यहाँ पे पुल्लिंग और एक वचन भी है, तो इस वजह से यहाँ पर जो है हमारा भाववाच्य वाला सेंटेंस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 लेंगे, किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में यहाँ पर क्रिया का भाववाच्य प्रयोग हुआ है वो हमें बताना है। लड़कियों ने माँ को देखा इसमें बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो कर्तृवाच्य दिख रहा है। उससे फल खाया नहीं जाता, घोड़ा हिनहिनाता है, सिंपल सेंटेंस है,
कर्तृवाच्य, ये काम तुमसे ही संभव है, ये भी कर्तृवाच्य है। अब आप देखेंगे इसमें नहीं का प्रयोग हुआ है, साथ ही एकवचन और पुल्लिंग है, तो ये हमारा भाववाच्य का प्रयोग हुआ है क्रिया में। प्रश्न नंबर 24 लेंगे, कर्तृवाच्य का प्रयोग कहाँ नहीं हुआ है, यानी इसमें से कर्तृवाच्य सेंटेंस कौन सा नहीं है। महेश स्कूल से आ रहा है, कर्तृवाच्य है। अखबार पढ़े जाते हैं, इसको होल्ड में रखते हैं। माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है, ये कर्तृवाच्य है। कुत्ता सारी रात भौंकता रहा, ये भी कर्तृवाच्य है। अखबार पढ़े जाते हैं, अब अखबार पढ़े जाते हैं यहां पर ये जो है कर्तृवाच्य सेंटेंस में नहीं आएगा, तो इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कर्तृवाच्य। प्रश्न नंबर 25 लेते हैं, कर्मवाच्य का उदाहरण वाक्य है, यानी कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा ऑप्शन है इसमें से। राम खाना खाता है, जो कि कर्तृवाच्य है। धावकों से दौड़ा रह गया, ये भाववाच्य हो गया। किसानों द्वारा फसल काट ली गई और बच्चे घर जा रहे हैं, तो इसमें से हमें कर्मवाच्य सेंटेंस बताना, जो कि ऑप्शन नंबर सी साफ दिख रहा है, किसानों द्वारा फसल काट ली गई है। तो द्वारा शब्द का प्रयोग हुआ है और किसान यहाँ पे करता है, फसल जो है हमारा कर्म है, यहाँ पर कर्म भी है सेंटेंस में, और कर्म के अनुसार जो है फसल जो है, जो कि स्त्रीलिंग शब्द हो गई, तो इसके अनुसार जो है हमारे सेंटेंस में कि किसान जो है पुल्लिंग है, और जो किसान पुल्लिंग होने के कारण अब आप देखेंगे क्रिया जो है वो स्त्रीलिंग में है, तो हमारे कर्म के अनुसार जो है यहाँ पर स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है, यानी जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार प्रयोग हुई, तो यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है हमारा कर्म वाच्य जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको वाच्य से संबंधित बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर डिस्कस किए गए, साथ ही आपको वाच्य का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने की कोशिश की गई है। इसको आप जरूर पढ़े, समझे, प्रैक्टिस करें और यूं ही प्रैक्टिस करते रहे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम डाउट क्लियर करेंगे। और टर्म टू एग्जामिनेशंस के लिए आप इसे जरूर एक बार पढ़े और समझे और प्रैक्टिस करें, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। और इसी तरीके से चैनल के साथ